देखिए भैया, हम बालू लेके गए हजारीबाग, बालू गिराए, बालू गंदा निकल गया। तो कस्टमर ने बोला, यार ऐसा गंदा बालू कहाँ से गिरा दिया, कितना दिन से बालू गाड़ी चला रहे हैं। मैंने कहा, देखिए वीरों की धरती, जवानों का देश, और बेचते बेचते बालू उड़ा दिए केस। फिर भी कस्टमर बोलता है, जब बलुआ नहीं लाया फ्रेश। अरे बलुआ तो हम लाइए देते फ्रेश, लेकिन क्या कहें, हमको लेबर नहीं मिलता है बेस, और मारे सेल्फ हो गए रेस। इतने में कस्टमर ने हमको रोका, बोला बाबू दे दिया तुमको धोखा, और बालू गिराएगा गंदा तो बंद हो जाएगा तेरा धंधा, बलुआ तो हम तुम्ही से लेंगे लेकिन ये गाड़ी का पैसा नहीं देंगे। मैंने कहा, चाचा जितना मर्जी है डांटिए, लेकिन ये गाड़ी का पैसा एक रुपया नहीं काटिए। आपसे पहले ही बात हुआ था फोन पर, मेरा गाड़ी है टोटल लोन पर, अगर आप लोग ही ऐसा करेंगे तो गाड़ी का किस्ती कहाँ से भरेंगे। चलाने कर जाते 340 के तक का बैठा है गाड़ी के मालिक के। बालू है बढ़िया, तनी खराब लग रहा है मट्टी से, कहे की अब की बार उठा लिए थे धमन घट्टी से। कस्टमर ने बोला, ठीक है मैंने तेरे बात को माना, लेकिन अगली बार बढ़िया से बढ़िया बालू लेके आना। मैंने कहा, आपके लिए लेबर से लड़ जाऊंगा, माँ कसम कल बढ़िया से बढ़िया बालू लेके आऊंगा। कस्टमर ने बोला, अरे है तो तू ड्राइवर पर शायर जैसा दिखता है। मैंने कहा, शायर जैसा दिखता है तभी तो इसका बालू हजारीबाग में इतना ज्यादा दिखता है। कस्टमर ने बोला, तुझसे बहस करके हो गई मुझसे खता, अगर हो सके तो बता दे अपना नाम और पता। मैंने कहा, नाम है मेरा दिलीप कुमार वर्मा, ग्राम पड़ता है गोरिया कर्मा। कस्टमर ने बोला, तू डेली हजारीबाग बालू लेके आता है, अच्छा रहता फिल्म सिटी मुंबई क्यों नहीं चला जाता है। मैंने कहा, फिल्म सिटी मुंबई का ख्याल तो आज भी मेरे दिल में आता है, लेकिन क्या कहें चाचा, गरीबी कला और कलाकार दोनों को खा जाता है। सपना तो था बनने का भोजपुरी एक्टर, लेकिन क्या कहें, जहिया से खरीदे हैं ट्रैक्टर तहिया से बिगड़ गया है मेरा करेक्टर। इतना कह के करी गाड़ी स्टार्ट, लगाया मैंने गाड़ी का गियर। अगर आप लोग को बढ़िया लगे एक कॉमेडी तो लाइक कमेंट और शेयर।